कोडा महामारी के दौरान आपदा में अवसर तलाशते हुए कुछ लोग आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी कर रहे हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने को लेकर गिरोह के सरगना लोकेंद्र सिंह, वीरेंद्र और अर्जुन को गिरफ्तार किया है। वीरेंद्र और अर्जुन अमलतास अस्पताल में काम करते हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में पुलिस अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी और कई के नाम सामने आने की आशंका है। पुलिस मुख्य सरगना लोकेंद्र, अर्जुन और अंकित पर रासुका की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर प्राइम हॉस्पिटल के कंपाउंडर अंकित और नर्स पूजा के साथ एक मेडिकल संचालक रुद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। पूजा और रुद्र जेल भेज दिए गए थे। अंकित ने रिमांड के दौरान पूछताछ में कई नाम बताए थे। इसी आधार पर पुलिस ने लोकेंद्र सिंह राजपूत, वीरेंद्र पवार और अर्जुन लोधानिया को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना लोकेंद्र सिंह है, जो पीपल रावा क्षेत्र का रहने वाला है। वह खुद को डॉक्टर बताता था। लोकेंद्र कुछ दिनों देवास के राधागंज में रह रहा था। वहीं वीरेंद्र पवार और अर्जुन लुधानिया अवलतास अस्पताल में कर्मचारी है। अभी तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं कोतवाली देवास पुलिस द्वारा। चल रही है, टीम बनी हुई है। उसका वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय और CSP महोदय, एडिशनल SP महोदय प्रतिदिन सुपरविजन करते हैं उस केस का। और उस पर 3 आरोपी जो हैं, जिनकी भूमिका के आधार पर रासुकाफी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लोकेंद्र राजपूत है, अर्जुन दुधानिया और अंकित पटेल। पूछताछ में कुछ आरोपियों ने बताया है कुछ आगे? हाँ, बता रहे हैं। उसी के आधार पर ये आरोपी बढ़े हैं। शुरू में 3 पकड़े गए थे 2 मई को, फिर बाद में भी एक एक करके ऐसे अभी तक 6 हो गए, और भी तलाश कर रहे हैं। सर, ऐसा सुनने में आया सर निजी अस्पतालों के भी कोई नर्स और ऐसे कंपाउंडर हैं? हाँ, प्राइम हॉस्पिटल और अमलतास हॉस्पिटल के नाम अभी तक आए हैं, तो उस पर पुलिस टीम हमारी काम कर रही है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये आरोपी पकड़ा है सर, ये कौन से हॉस्पिटल से हैं सर? ये इसमें अभी तक अमलतास के 3 नर्स और स्टाफ, लैब टेक्नीशियन वगैरह के नाम आए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। और भी जो भी आएंगे किसी भी हॉस्पिटल के अनुसार, तो निष्पक्षता और पारदर्शिता के अधिकार अनुसार उपलब्ध साक्ष्य आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।